जतारा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री श्री हरिशंकर खटीक ने घर घर किया जनसंपर्क। उनके साथ हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लिया। आप देख रहे हैं टीकमगढ़ जिले से अहमद खान की रिपोर्ट। 15 साल की उम्र से हमने सेवा भावना के साथ में काम किया और सेवा भावना के साथ में काम ही नहीं किया बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में या हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों का उन्नयन कराने का काम किया। वहीं हमने 511 बांध अपने जीवन का दिया। पूर्व में छतरपुर जिला और पश्चिम में हमारा टीकमगढ़ जिला और बीच से धरती माँ को चीर के निकली हुई थी हमारी धरसा नदी, जिसका एक बूंद पानी किसानों को नहीं मिलता था। बेचारे किसान अपना पेट पालने के लिए दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, गुड़गांव और जम्मू कश्मीर जाते थे। लेकिन एक दिन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बुंदेलखंड की धरती पर और हमारे टीकमगढ़ जिले की धरती पर एक ऐसी पहल की जिसके लिए हमारे क्षेत्र की जनता की मांग के आधार पर और हमारी मांग के आधार पर 2000 करोड़ का 511 बांध स्वीकृत हुआ। 511 बांध स्वीकृत नहीं हुआ बल्कि 183 गाँव के किसानों को पानी देने की पूरी तैयारी कर ली गई। 75,000 हेक्टर भूमि हम सिंचित करेंगे और सिंचित ही नहीं करेंगे बल्कि खेत के नीचे 3.5 फुट नीचे हमने पाइपलाइन बिछवाने का काम किया। ऊपर हमारे किसान खेती करेंगे, ऊपर स्प्रिंकलर के माध्यम से, फुब्बारों के माध्यम से पानी होगा। जहाँ जितना किसान को पानी की आवश्यकता होगी उतना पानी मिलेगा। ऐतिहासिक सौगात मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दी है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से भी केन बेतवा सिंचाई परियोजना भी हम सब लोगों के बीच में जल्दी से जल्दी आने वाली है। यहाँ इस ओर दूसरी ओर पराई नदी पर परेवा बांध बनने का काम जो हमने स्वीकृत कराया था, कई कांग्रेस के हमारे मित्रों ने उस काम को बंद करा दिया था राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण। लेकिन हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि चंदपुरा के पास जहां जनता की आवाज़ है, चंदपुरा की जनता की आवाज़ है, वहां पर पराई नदी पर परेवा बांध बनाने का हम लोग काम कराएंगे। तीसरी ओर हरपुरा सिंचाई परियोजना जो हमने स्वीकृत कराई थी कि जामनी नदी का पानी हम अपने जतारा विधानसभा क्षेत्र की धरती पर लाएंगे। जामनी नदी का पानी हमने नहर के रूप में लाने का काम किया और अचर्रा और मोहनगढ़ के तालाबों में पानी पहुँच गया। लेकिन जो फेज टू का काम है हरपुरा सिंचाई परियोजना का, जिसमें बराना के तालाब में पानी लाने की बात है, तो उसका पानी आज तक नहीं पहुंच पाया। हमारी नहर का काम चालू हुआ और मझगुआ बिहार के पास नहर आई, लेकिन उसके बाद वो काम बंद हो गया। उस काम को भी हम पूरा कराने का काम करेंगे। जितना पिछड़ा हुआ हमारा क्षेत्र पहले की अपेक्षा बहुत। भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिला है, पिछली बार आप 233 वोटों से हार गए थे, अब की बार क्या रुझान हो गया आपकी विधानसभा में? हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग के आधार पर, जतारा विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज़ पर हमें भारतीय जनता पार्टी ने हम जैसे एक छोटे कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास किया है। जतारा विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार 2013 के चुनाव में जहाँ हम 20,000 वोट से विधायक और मंत्री बने थे और 51,000 वोट मिले थे, उस समय चुनाव हार गए थे। लेकिन हमने लगातार मेहनत की, 20,000 से हमें 51,000 वोट मिले, फिर भी चुनाव हार गए थे। लेकिन खेल के मैदान में हार मानते हैं लोग, मन के मैदान में हार नहीं हमने मानी, लगातार मेहनत की। इतना पूरा विश्वास है कि 2013 में तो हरिशंकर खटीक चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार पूरा विश्वास है कि जतारा विधानसभा क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार विश्वास है कि जतारा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के आप जैसे हमारे शुभचिंतक भाई चुनाव लड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्यप्रदेश की धरती में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर और जनता की मेहनत के आधार पर जतारा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और कमल खिलेगा ही नहीं बल्कि मध्यप्रदेश के इतिहास में जतारा विधानसभा क्षेत्र का इतिहास भी लिखा जाएगा कि कितने मतों से जीत हासिल हुई है। हमारा लक्ष्य जनता की सेवा, तहसील और विकास है। लिथौरा में कॉलेज खुला, जतारा में साइंस और कॉमर्स कॉलेज खुला, जतारा की धरती पर किटाखेड़ा के पास पॉलिटेक खुला। पॉलिटेक की लागत 10 करोड़ की बिल्डिंग बनके भव्य बनने वाली है, जिसका काम प्रगति पर है। और इतना ही नहीं, साइंस कॉमर्स के साथ साथ हमारे जतारा का स्नातक महाविद्यालय मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय भी कर दिया गया, जिसके आदेश भी जारी हो गए हैं। यहाँ करमोरा में हायर सेकेंडरी स्कूल खुला, वहीं जरुआ में भी हायर सेकेंडरी स्कूल खुला, माची में हाई स्कूल है, लार में हाई स्कूल है, हरपुरा में हाई स्कूल है। और इतना हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40-45 हाई स्कूल खुले थे, उनको अधिकांश तौर पर अब चाहे वो माची हो चाहे और भी स्कूल हो, उनको हाई स्कूल की जगह हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन कराने का भी पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ। पॉलिटेक की तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो नौगांव की धरती पर जहां हमने पॉलिटेक किया था सिविल से, वहां पर हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने का काम किया
और पॉवर टैंक को हमने बंद नहीं होने दिया। पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर 7 पॉवर टैंक खुले, जिसमें पहले नंबर पर जतारा जिला टीकमगढ़ खुला। ऐतिहासिक सौगात, जतारा विधानसभा क्षेत्र की उन्नति की ओर अग्रसर है। जतारा विधानसभा क्षेत्र को पहले भी लोग जानते थे, लेकिन इतना हमें सौभाग्य मिला कि पूरे जतारा नगर के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के युवा साथी हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं। हमने जतारा विधानसभा क्षेत्र के चरणों में पूरे मध्य प्रदेश के युवा बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हूँ दे दिए हैं। वो हमारे क्षेत्र से जब पढ़ के निकल के जाएंगे तो उनके माता पिता पूछेंगे, बेटा तुमने पॉवर टैंक कहाँ से किया था, तो वो बताएगा कि टीकमगढ़ जिले में जतारा से किया था। वो उस बेटे की सर्विस लगेगी, उसकी जब शादी होगी तो उसकी पत्नी पूछेगी कि तुमने पॉवर टैंक सिविल से कहाँ से किया, तो वो अपनी पत्नी को भी बताएगा। जब उसके बच्चे होंगे तो बच्चे होने के बाद वो उसके बच्चे पूछेंगे कि पापा आपने सिविल इंजीनियर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कहाँ से डिप्लोमा किया, वो कहेंगे टीकमगढ़ जिले के जतारा से। तो हमने जतारा विधानसभा क्षेत्र का नाम मध्य प्रदेश के इतिहास के पन्नों में लिखने का काम किया है। हमें पूरा विश्वास है कि अब जतारा विधानसभा क्षेत्र की जनता, यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हम बेफिक्र हैं। मेहनत करने का काम हमारा है, हमें घर घर भेजने का काम जो किया गया हम घर घर जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि जतारा विधानसभा क्षेत्र की अब प्रत्याशी कौन है, इस क्षेत्र की जनता है, इस क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जो तरीके से परिश्रम कर रहे हैं, जनता भी परिश्रम कर रही है और कार्यकर्ता भी परिश्रम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जतारा की धरती पर कमल खिलेगा, खिलेगा और खिलेगा, और मध्य प्रदेश में चौथी बार